क्या आप अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं? चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही तकलीफ के कारण हो, या किसी परिस्थिति के कारण कोई घटना घट गई हो उसके कारण हो, या जाने अनजाने में आप ही से कोई ऐसी घटना घट गई हो, कोई ऐसी बात हो गई हो जिसके कारण आप दिन रात अपने आप में घुट रहे हैं और किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी बात है और आप इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इसी बात का जिक्र किया है कि मानसिक प्रताड़ना कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे किया जाए। और अगर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि मानसिक प्रताड़ना से हम आपको कैसे बचा सकते हैं ज्योतिषी उपायों के द्वारा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। जब भी कोई विचार आपके दिमाग में चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल 24 घंटे चल रहा हो और उस विचार से आपको बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही हो तो ये समझ लीजिए कि आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं। और ऐसी प्रताड़ना, यह मानसिक प्रताड़ना अमावस्या और पूर्णिमा के करीब ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी ही मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति हमेशा अपने आप में चिड़चिड़ापन लिए हुए रहता है और क्रोधित रहता है, उसे अच्छी बात भी अच्छी लगती नहीं। और यह मानसिक प्रताड़ना की जो बात है ये किसी भी कारण आपके साथ घट सकती है, चाहे किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो, किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी हो, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गई गलती हो, अपनी नौकरी में जहां आप काम कर रहे हैं वहां किसी प्रकार का आपने डिसीजन ले लिया है और कहीं सिग्नेचर कर दिया है और वह आपको पता है कि भविष्य में उसका प्रतिफल बुरा होगा और यह आप महीनों से नहीं सालों से आप भुगत रहे हैं उस बात को लेकर के, या व्यापार में किसी प्रकार की गलतियों का हो जाना तथा परिवार या समाज में परिस्थिति बस किसी प्रकार का डिसीजन ले लेना, किसी प्रकार का निर्णय ले लेना। उस समय परिस्थिति ने यह कहा कि यह निर्णय ले लीजिए, आपने निर्णय ले लिया लेकिन उस निर्णय के कारण आप इस तरह से फंस गए हैं कि आप जी नहीं पा रहे हैं और आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और जब ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं तो जिंदगी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाती है, क्योंकि न तो आपका काम में मन लगता है, तो जब काम में मन नहीं लगेगा तो धीरे धीरे काम खराब होता जाएगा, चाहे वह व्यापार की स्थिति हो या किसी प्रकार की व्यवसायिक स्थिति हो या नौकरी की स्थिति हो। ना परिवार में मन लगता है, तो परिवार में मन नहीं लगेगा तो परिवार के लोग आपको शक की नज़रों से देखने लगेंगे, आपके अंदर कुछ कमी ढूंढने लगेंगे कि आखिर क्या बात है और वह बात आप बता भी नहीं पा रहे हो। ना तो समाज में आप सही ढंग से उठ बैठ पा रहे हो क्योंकि वो परिस्थितियाँ आपको दिन प्रतिदिन सता रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप आ जाते हैं और एक तरह से कहते हैं कि उस चंगुल में फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा ऐसी परिस्थितियों का निवारण ढूंढना चाहिए और वह निवारण किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन निवारण जो मैं बताऊंगा वह ज्योतिषीय निवारण बताऊंगा, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां जब निर्मित होती है ना तो इसके पीछे ग्रहों का संचालन होता है। ग्रह जब अपने तरीके से चलते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है, खराब पड़ रही है, पीड़ित दृष्टि पड़ रही है या किसी बुरी दृष्टि के आप जब शिकार होते हैं, ऐसे समय में आपकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ परमात्मा। तो परमात्मा से रक्षा करवाना है, परमात्मा से अपने रक्षा की भीख मांगनी है, परमात्मा से प्रार्थना करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुंडली देखनी पड़ेगी, कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या सचमुच ग्रहों की दृष्टि आपके ऊपर खराब पड़ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे यही बताऊंगा कि किन कारणों से आदमी मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है और उसे किस प्रकार के उपाय करके उससे निकल सकता है। तो उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, उपाय करने से पहले पहले आपको समझना होगा कि आखिर किन कारणों से परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना का शिकार होता है, चाहे कोई भी हो, ग्रह स्थितियाँ लाती हैं। तो मन को संयमित करने के लिए, मन को अपने तरीके से चलाने के लिए चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। चंद्रमा यदि पाप कर्तरी योग के बीच फंस गया हो
दो पाप ग्रहों के बीच फंस गया हो तो उसको पाप कर्तर योग कहते हैं। ऐसे समय में मन हमेशा पीड़ित रहता है और मन पीड़ित रहने के लिए अगर मन पीड़ित रहेगा तो कैसे रहेगा, ग्रह उस तरह की चाल चलते हैं कि आप ऐसी गलती कर दें ताकि आपका मन हमेशा पीड़ित रहे। तो देखिए शनि के साथ चंद्रमा का बैठ जाना, अब चंद्रमा सवा दो दिन में अपना घर बदलता है, हर सवा दो दिन में जब घर बदलता है तो किसी न किसी घर में आएगा और उस घर में बैठे हुए ग्रह के साथ वो सवा दो दिन तक रहेगा। तो यदि संयोग बस पाप ग्रह के साथ चंद्रमा जब आ जाता है तो उस सवा दो दिन में कुछ ऐसी घटनाएं घटा देता है, ऐसे काम करवा देता है जो पूरी जिंदगी आपको तकलीफ देने लगती है बात। तो ऐसी ही स्थिति में आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसका उपाय करें कि जब भी चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ गुजर रहा हो, चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो अपने आप को ज्योतिषीय उपाय द्वारा एक ऐसी सुरक्षा कवच के बीच अपने आप को रख लीजिए, ऐसे ऑरा क्रिएट कर लीजिए अपने आसपास जिससे किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा को प्रभावित न कर पाए, यानी आपको प्रभावित न कर पाए, तो आप अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा, जो भी कार्य करेंगे वो सही रूप से करेंगे, परिवार में किसी प्रकार का निर्णय लेना होगा तो सहमति से सबकी सहमति आपके प्रति बनेगी और आप अच्छा निर्णय ले सकेंगे। तो अब मैं उपाय की बात करता हूँ। यदि आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं तो भी, और यदि नहीं हुए हैं तो भविष्य में आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार न हो, इस बात के लिए आप कुछ प्रमुख उपायों पर ध्यान दीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम करना होगा आपको कि नियमित माँ गायत्री के मंत्र का जप किया करें, और यदि जप न हो सके तो माँ गायत्री का यंत्र, गायत्री यंत्र आता है, उसे आप अपने साथ रखें या अपने पूजा के स्थान में रखें, पहली बात है। दूसरी बात है कि बहते हुए जल में प्रत्येक पूर्णिमा दूध प्रवाहित करें, बहते हुए जल में प्रत्येक पूर्णिमा, जब तक जिंदगी है कायम है, आप परिस्थितियों के अनुकूल आपके है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं कि आपके पास नदी है, नदी नहीं है तो कुआं है, कुआं नहीं है तो नारियल का पेड़ भी इस काम में आता है, और नारियल का पेड़ ना भी हो और कुआं ना हो नदी ना हो, ऐसे समय में जो नारियल होता है जिसका पानी पीते हैं लोग, ऐसे नारियल का पानी भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण उपायों में से है जिसे चंद्रमा, जिसका भी कमजोर हो उसका चंद्रमा बलि हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे दसवीं तिथि आती है दसवीं से अमावस्या तक चंद्रमा निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ऐसे समय में पैदा हुए बालक का भी चंद्रमा जिंदगी भर कमजोर रहता है, तो उसे ये उपाय करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि आप मून स्टोन रत्न का पेंडेंट पहने बना करके, और मून स्टोन कम से कम 10 ग्राम का होना चाहिए एक तोले के, 50 कैरेट के आसपास का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का वजन 50-55 किलो से कम नहीं होता, स्त्री का वजन कम नहीं होता, तो 10 ग्राम का यानी 50 कैरेट का मून स्टोन पहनने से, चाहे वो किसी का 40 किलो वजन हो, 30 किलो वजन हो या 100 किलो वजन हो, सभी लोगों के बीच ये काम करता है। पेंडेंट चांदी में बना करके गले में धारण करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक चंद्रमा को मजबूत करने की बात है, पूर्णिमा की रात को मध्य रात्रि में बैठ करके ओम सोम सोमाय नाम के मंत्र का जप करना चाहिए, जो चंद्रमा का मंत्र है और चंद्रमा का कारक है, और पूर्णिमा की रात जब पूर्णिमा की चांदनी आपके ऊपर पड़े ऐसी जगह पर बैठ करके, यदि आप खुले आसमान छत के नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने घर में देखें कि कहाँ से चंद्रमा की रोशनी आ रही है, उस चंद्रमा की रोशनी के पास बैठ करके आप जप कर सकते हैं, या भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके जप कर सकते हैं, या नवग्रह मंदिर कहीं होगा तो उसमें बैठ करके आप जप कर सकते हैं। इन उपायों के करने से यदि आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं, हो रहे हैं, या आपके साथ ऐसी स्थिति आ रही है, तो उससे तो बचाव होगा ही, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं हुआ है वह व्यक्ति भी पूरी जिंदगी अपनी सुरक्षा कर सकता है, और यदि ये उपाय आप नियमित करते जा रहे हैं तो पूरी जिंदगी आप मानसिक प्रताड़ना के शिकार होने से बच सकते हैं। ऐसी स्थितियों में मैं ये चाहूँगा कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में उपायों को करना चाहिए।
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप करें। दूसरी बात, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्वयं करना चाहते हैं आप खुद, तो हमने अपने मेंबर लोगों के लिए खास कुछ वीडियोस बनाए हैं जो सिर्फ मेंबर लोगों को ही हम वो प्रदान कर रहे हैं। हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तथा आपके कुछ विचार हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।